हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डॉक्टर डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए गैजेट, एंड दिस गैजेट इज नॉट बेसिकली इट इज कंज्यूमर, मतलब हाउस होल्ड के लिए है। सो आई एम ए कॉफी लवर, तो जो जो कॉफी लवर है तो वो जरूर ये वीडियो देखेगा, हाउ टू मेक ए कैपेचिनो बाय यूजिंग ए कॉफी मेकर। तो एक नया लिया है मॉर्फी रिचर्ड्स का, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत अच्छा है पूरा, इसमें आपको अनबॉक्सिंग के साथ पूरा मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। एंड काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इसको देखा कि हाउ टू मेक टेक्निकली एक्चुअली कैपेचिनो कैसे बनाया जाता है, तो पूरा इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और अगर नए चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर हम लेके आते हैं ड्रोन से सारी इन्फॉर्मेशन एंड टेक गैजेट्स जो मैं यूज़ करता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो ए टेक गैजेट, सो दैट्स वाई दिस वीडियो इज हेयर। एंड हेल्थ टिप्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ एज ए डॉक्टर। तो सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता दें कि जो हमारी मशीन है इसकी पहले हम अनबॉक्सिंग देख लें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम लाए एक और नया गैजेट, और इस बार गैजेट है किचन का, एंड दिस इज अ कॉफी मेकर। इफ यू आर अ कॉफी फैन देन यू मस्ट हैव दिस। तो इसमें अनबॉक्सिंग करेंगे, पूरा आपको दिखाएंगे हाउ यू कैन यूज इट, एंड इट इज फ्रॉम द वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड मॉर्फी रिचर्ड्स। सो फुल अनबॉक्सिंग। तो टेक है, तो टेक जो गैजेट हम यूज करते हैं दैट आई अनबॉक्स एंड यूज, सो प्लीज वॉच इट। सो दिस इज विद 2 year वारंटी। Warranty card and manual. So this we'll see. So coffee डालनी है और वो filter होती है। So this is the thing. यहाँ पर basically this is the level. कितनी स्ट्रॉन्ग आपने बनानी है, ये देखिए दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और यहाँ पर लाइटेस्ट होगा। तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते नहीं है, विल कीप इट हियर। ये जा रहा है। एंड दिस इज द स्टीमर, जब इस पे रहेगा देखिए, यहाँ जब रहेगा तो स्टीम आएगी। एंड दिस इज द, तो सबसे पहले आप कुछ टर्मिनोलॉजी देख लें, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर पहले भी कैपेचिनो पे, पर एक्चुअल में कैपेचिनो क्या है किसी को मालूम नहीं है। तो बेसिकली एक तो ये इटालियन फ्लेवर है, इटालियन वे ऑफ मेकिंग कॉफ़ी। ओके, तो इसके लिए आपको चाहिए कॉफ़ी पाउडर और मशीन ऑफ कोर्स और मिल्क। ठीक है, अब बेसिकली इसको प्रॉपरली बनाने के लिए आपको एक इसका परफेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए, मिल्क का भी एंड कॉफ़ी जो उसमें से निकलेगी। तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है एक्सप्रेसो कॉफ़ी एंड कैपेचिनो में फ़र्क क्या है। बेसिकली मैं आपको ट्रू टर्मिनोलॉजी बताने वाला हूँ। एक्सप्रेसो कॉफ़ी किसको कहा जाता है कि जब हम इसमें कॉफ़ी डालते हैं मशीन के अंदर पाउडर फॉर्म में, और फिर वो जब ब्रू होती है पूरा उसमें निकलता है कॉफ़ी, ब्लैक कलर की ब्लैक कॉफ़ी निकलती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको कहा जाता है ब्लैक एक्सप्रेसो। दैट इज़ नोन एज एक्सप्रेसो कॉफ़ी, ब्लैक एक्सप्रेसो कहा जाता है उसको। फिर उस ब्लैक एक्सप्रेसो में हम मिक्स करते हैं फोम वाला मिल्क, और उन दोनों के मिक्सचर की जो रेशो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैपेचिनो बनेगा या लाटे बनेगा या चोकोलावा, जो भी आपने बनाना है। तो मेन जो इंग्रेडिएंट्स बनाने वाले हैं, एक तो कॉफ़ी सबसे पहले बनाई जाती है, उसको कहते हैं ब्लैक एक्सप्रेसो, ब्लैक एक्सप्रेसो शॉट्स इज द टाइम। सो सबसे पहले मैं एक कप बनाने वाला हूँ, तो एक पहले ब्लैक कॉफ़ी शॉट बनाऊंगा एक्सप्रेसो का, फिर उसके बाद आपको फोम करके कैसे टेक्निक है, और फिर उसको हम पोर करेंगे और सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो चलिए किचन, तो कॉफ़ी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉफ़ी पाउडर। सो दिस इज नेस्कैफे गोल्ड, तो आप नॉर्मल नेस्कैफे भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर, ये आपके टेस्ट के ऊपर है, व्हाट एवर यू वांट टू टेक यू टेक इट। तो एक ये चाहिए, देन आपको लेके चलते हैं मिल्क, ये ठंडा मिल्क है, इतना ही चाहिए होगा क्योंकि बाकी में इसमें फ्रॉथ आएगा, ये फ्रॉथ बनाने के लिए मैंने लिया है। तो इतना बड़ा कप है तो मैंने सिर्फ इतना आउंस लिया, तो इतना इसमें फ्रॉथ आएगा। ये स्टीम के टेम्परेचर से ही काफ़ी गर्म हो जाता है, इसको हम रखते हैं साइड में। सबसे पहले आपको इसमें एक कप बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसमें वाटर डालना है, और यहाँ पर नॉब है स्टीम का, इसको आपने पूरा टाइट बंद कर देना है ताकि आपकी स्टीम कहीं से ना निकले, क्योंकि पहले आपने शॉट बनाना है ब्लैक एक्सप्रेसो का। तो ब्लैक एक्सप्रेसो का शॉट हमारा बनेगा इस मेजरिंग जार में जो आपके साथ मिलता है,
तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने कप आपने बनाने हैं उसके हिसाब से आपने पानी डालना है, एक कप दो कप, तो मिनिमम इसमें दो कप के लिए बनता है, तो हम दो कप के हिसाब से इतना पानी डालेंगे, दो से थोड़ा सा ज़्यादा। ये मैंने डाल दिया यहाँ तक, दो से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। एंड ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये तैयारी हो रही है कॉफ़ी का ब्लैक शॉट बनाने के लिए, एंड देन कवर इट। ये होता है आपका फिल्टर, तो इसमें हमने बेसिकली कॉफ़ी को डालना है, एंड दिस इज़ द फिल्टर कप। इसके अंदर आपके पास मेजरमेंट्स हैं, एक कप दो कप आप देख सकते हैं, इसमें मार्किंग भी हुई है, तो अगर आप देख पाएंगे देखिए 1, 2, 4, तो ये मैं दो कप बना रहा हूँ, तो यहाँ पर दो कप तक इसको भर देंगे। तो इसको भरने का भी एक तरीका है प्रोफेशनल, वो मैं आपको दिखा। तो ये देख रहे हैं इसको हमने बड़ा प्रोफेशनली इसमें भरना है, तभी आपका पूरा टेस्ट आएगा। तो ये इसमें आपको चम्मच मिलता है, इसकी मदद से आप इसमें भर सकते हैं। ये जो है ये भी एक औजार है, इससे ये इसको पूरा एक फ्लैट इसको ऊपर रख के थोड़ा प्रेशर देना है, आपके पास ये बिल्कुल राउंड शेप में बन जाए। दिस इज़ द परफेक्ट प्रोफेशनल वे टू डाल। नाउ इट इज़ रेडी, नाउ वी विल इंसर्ट इट इनसाइड द, पुट इट लाइक दिस एंड इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल लॉक हो जाए। सो दैट्स इट, नाउ इट्स रेडी। जस्ट नाउ ऊपर ढक्कन बंद कर दें, बिल्कुल टाइट, एयर टाइट एकदम। सॉरी बात उधर रेनोवेशन हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। नाउ जस्ट स्विच इट ऑन, एंड जैसे ऑन करेंगे इसके नीचे इसको लगा दें। दिस शुड बी एट योर मीडियम लेवल, मैं मीडियम लेवल की कॉफ़ी पीता हूँ, तो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे शॉट्स, एक्सप्रेसो शॉट रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट रहता है, मशीन इज़ ऑन, रेड लाइट इज़ ऑन, इट्स रेडी। दैट इज़ द क्रीमी वन यू वांट फॉर द एक्सप्रेसो। So this is known as espresso. Black espresso is ready. अब हम इसको साइड पर रखेंगे, and now we'll make the steam. और फिर इसको दोबारा से बंद कर दें ताकि अब आप अपने स्टीम कर सकें मिल्क को। तो मिल्क में स्टीम, इसको फिर से आप 3 मिनट के लिए ऑन करेंगे, एंड कीप दिस नॉब टू ऑन स्टीम वन, डाल के रखते हैं। सो ये आपने इसमें डालना है, तो इतना बहुत है फॉर क्रीमी। देखिए मैंने एक कप के हिसाब से इसमें डाल लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस शॉट। तो ये आप आगे भी बचा के रख सकते हैं दोबारा कॉफ़ी बनाने के लिए, तो 2 कप मिनिमम बनते हैं इसमें। ये रबड़ का आप निकाल लें, ये नहीं तो डिस्टर्बेंस करता है आपकी फ्रॉथ बनाने में। हमेशा एक गीला कपड़ा साथ में रखें इसको साफ करने के लिए, करके देखें थोड़ी देर में। 1-2 मिनट हो चुके हैं कि आपकी स्टीम आ रही है या नहीं, तो 1-2 आप निकाल दें क्योंकि उसमें पानी होता है। नाउ वी विल स्टीम इट। स्टीम करने का एक तरीका है, इसको आपने ऐसे पकड़ना है और जो ये स्टीमर है ये बिल्कुल उसके सेंटर में जाना चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल फ्रॉथ इट। बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे तो आपकी फ्रॉथ आएगी। आपने बंद कर देना है,
इसको थोड़ा घुमाएं ताकि आपका जो फ्रॉथ है वो आपका सेंटर में आ जाए और आपका जो मिल्क है वो बीच में रहे। ओके, थोड़ा घुमा लेंगे। नाउ यू हैव टू पोर इट ऑन दिस। अभी जब आप नए नए होंगे तो आपको इतना डिज़ाइन इसका मालूम नहीं बनेगा जैसे वो बनाते हैं हार्ट शेप, तो स्टार्टिंग में आपका ऐसे आएगा, बट टेक्सचर कैसा होना चाहिए आप देख सकते हैं, आसपास में ब्राउन और बीच में वाइटिश आपकी ग्रीन। तो ये आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। तो अभी जितना मुझे इसमें था और जितनी आपके पास ये फ्रॉथ बची है तो आप चम्मच से इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, आपको आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें तो हम आंसर करके आपको बता देंगे वो आपकी क्वेरी होगी। सो बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी थी, एंजॉय किया एंड दिस इज़ अ परफेक्ट वे। और जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो उसमें मैं भी इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ, बाकी टेस्ट वाइज इट इज़ टोटली प्रोफेशनल। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।